अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चौली की भाजी। ये चौली की फली है, इनको मैं काट रही हूँ। देखिए इतनी लंबी होती है ये। इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट के मैं काट रही हूँ इसको। दो मीडियम साइज प्याज काट दी है, पांच हरी मिर्चियाँ काट दी है, तीन छोटे छोटे टमाटर काट दिए हैं, एक कप हरा धनिया काट दिया है धोकर, पाव किलो चौली की फली काट दी है और छह छोटे छोटे आलू मैंने स्लाइसेस किए हैं, पतले पतले धो दिया है और पानी भर के रखा है ताकि आलू काले ना पड़े। हाफ टी स्पून मैंने हींग ली है, एक टीस्पून जीरा, एक बादियान का फूल, कुछ कड़ी पत्ते, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ली है, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ली है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, एक टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ कप तेल गरम हो गया है, जीरा, कड़ी पत्ते, हींग और बादियान का फूल ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब प्याज और हरी मिर्चियाँ भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। हाई फ्लेम पे प्याज को पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज पिंक हो गई है, अब हम इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लेंगे लाल होने तक। हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं। अदरक लहसुन पेस्ट को लाल होने तक फ्राई कर दिया है, अब हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, पानी डाल देंगे इसमें। अब टमाटर भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे मसाले को भून लेंगे टमाटर के गलने तक। हरा धनिया आधा ऐड कर देंगे, हरा धनिया पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने मसाले को भून लिया है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें भाजी ऐड करेंगे। इसमें भाजी ऐड करके चला लेंगे। अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे, चार सीटी लगा लेंगे। भाजी गल चुकी है, नेचुरली प्रेशर निकलने पर कुकर खोल दिया है। हाई फ्लेम पे जो इसका मॉइस्चर है, पानी है, उसको सुखा रही हूँ। इसका जो पानी था मैंने सुखा दिया है हाई फ्लेम पे। अब भाजी बिल्कुल पककर तैयार है। पांच सीटी मैंने इसको लगा दिया है नेचुरली प्रेशर निकलने पर। कुकर खोलकर इसका पानी जो था सुखा दिया, अब एकदम डन हो चुकी है, पक चुकी है। चौली की भाजी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।